दोस्तों, वीडियो गेम्स खेलना तो आप सबको बहुत पसंद होगा ही। चाहे आप वीडियो गेम्स को खेलते हो किसी स्मार्टफोन में या फिर किसी कंप्यूटर, लैपटॉप और प्ले स्टेशन, जिसमें भी आपको खेलना पसंद होगा। वैसे तो सभी में ही मज़ा बराबर मिलेगा गेम्स को खेलने का, लेकिन ऐसे में आपको कभी ना कभी घर पर डांट तो पड़ी ही होगी कि गेम्स को इतना ज़्यादा मत खेलो, वरना आँखें हो जाएंगी ख़राब, दिखना बंद हो जाएगा आपको वीडियो गेम्स को ज़्यादा खेलने से। दोस्तों, आप इस वीडियो को आगे देखते रहिए। मैं आज आपसे वीडियो गेम्स के बारे में कुछ ऐसी बातें बताऊँगा जिनसे कि आपको भी पता लग जाएगा कि वीडियो गेम्स के नेगेटिव इफेक्ट से ज़्यादा पॉजिटिव इफेक्ट्स होते हैं अगर आप समझदारी के साथ वीडियो गेम्स को खेलेंगे तो। और वीडियो गेम्स को खेलने से आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। सो हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज अफ्ताब एंड यू आर वाचिंग टेक्निकल बो अफ्ताब चैनल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों, इस बात में तो कोई शक नहीं कि वीडियो गेम्स खेलने से लॉसेस भी होते हैं, लेकिन लॉसेस से ज़्यादा बेनिफिट्स हैं वीडियो गेम्स के खेलने के। और इसके लिए रिसर्च भी की गई जिसमें सामने निकल कर आया कि वीडियो गेम्स खेलने से प्लेयर्स के हेल्थ, माइंड और बॉडी तीनों पर पॉजिटिव असर भी पड़ते हैं अगर हम नेगेटिव इफेक्ट्स को साइड में रखें तो। और इसे प्लेयर्स का आई हैंड कोऑर्डिनेशन भी बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो जाता है अगर हम उन्हें कंपेयर करें नॉन गेमर से तो। मतलब कि गेमर्स जब किसी चीज़ को देखकर अपने हाथों से रिएक्ट करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा इंस्टेंटली रिएक्ट भी कर पाते हैं और एक्यूरेट भी वो उतने ही ज़्यादा होते हैं। इसके अलावा कुछ रिसेंट स्टडीज़ ये भी बताती हैं कि वीडियो गेम्स उन लोगों को जो कि ठीक नहीं होते हैं शारीरिक रूप से और जो मस्तिष्क रूप से बीमार होते हैं, उन लोगों की लाइफ को और अच्छे तरीके से इम्प्रूव भी कर सकती हैं। और वीडियो गेम्स खेलने से आपके दिमाग का ही ग्रे मैटर या फिर कहें आपके दिमाग का आकार और भी बढ़ता जाता है और आपकी सीखने और समझने की कैपेसिटी उतनी ही इम्प्रूव होती चली जाती है वीडियो गेम्स को खेलने से। और तो और दोस्तों, इसके अलावा एक और मज़े की बात यह है कि अगर आप हर रोज़ सिर्फ 30 मिनट के लिए वीडियो गेम्स को खेलते हैं तो इससे आपकी ज़िंदगी और भी अधिक बेहतर बन सकती है केवल हर रोज़ वीडियो गेम्स को आधे आधे घंटे तक खेलने से। मतलब आप अपनी लाइफ को थोड़ा और अच्छे से इंजॉय कर पाएंगे अगर आप हर रोज़ वीडियो गेम्स को लिमिट में रहकर थोड़ा थोड़ा रोज़ खेलते हैं तो। और दोस्तों, इसके अलावा एक गेमर नॉन गेमर के मुकाबले चीज़ों को काफ़ी अच्छे से समझ सकते हैं, सीख सकते हैं और सिचुएशन को देखते हुए वो अपने आप को उस तरीके से एडजस्ट भी कर सकते हैं जिससे कि एक गेमर की परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा आगे निकल जाती है एक नॉन गेमर के मुकाबले। और दोस्तों, गेम्स को खेलने से आपको एक और बेनिफिट ये भी मिलेगा कि आप चीज़ों को सही तरीके से समझने में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको कार से स्टंट करने में मज़ा आता है वीडियो गेम्स में तो फिर रियल लाइफ में भी आप थोड़े से अच्छे कार ड्राइवर जरूर बन पाएंगे। और अगर आपको शूटिंग गेम्स पसंद है वीडियो गेम्स में, दुश्मनों को खोज खोज कर जूम कर करके निशाना लगाकर उनको गोली मारने में मज़ा आता है आपको, तो ऐसे में भी आपका निशाना रियल लाइफ में भी थोड़ा सा और एक्यूरेट जरूर हो जाएगा। तो दोस्तों, आपने जाना कि वीडियो गेम्स से बेनिफिट्स देते हैं हमको और हमारे बॉडी को, लेकिन इसके कुछ नेगेटिव इफेक्ट्स भी हैं। अगर आप कंटिन्यूसली ऐसे में वीडियो गेम्स से खेलते रहेंगे तो सीधी सी बात है कि वो आपके लिए डेफिनेटली बुरा ही साबित होगा। तो दोस्तों, डेफिनेटली आप गेम्स को खेलिए, हर रोज़ खेलिए, जिससे कि आपका लाइफ और अधिक मज़ेदार बन पाएगा, स्ट्रेस कम पड़ेगा आपके माइंड पर आपकी लाइफ का। लेकिन लिमिट का मीटर सेट करना ना भूलिएगा और हर रोज़ वीडियो को इंजॉय कीजिए लिमिट को सेट करके। तो दोस्तों, बस यार इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आया और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो इस वीडियो को जरूर से लाइक कर दीजिए और हो सके तो शेयर भी कर दीजिए। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए रोजाना ऐसे इंटरेस्टिंग टेक वीडियोज़ लेकर आता रहता हूँ। तो मिलते हैं एक और न्यू वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।